No point of view. Sandhya Roy. Sandhya Roy, please. Already I called Sandhya Roy. Underwater rule. Yeah, Nishikanji, underwater rule, your point of order. Sir, का direction 115. ये incorrect है सर. जब 89 की बात ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर blame किया इन्होंने. उस वक्त हमारे केवल दो एमपी थे लोकसभा में और केवल तीन एमपी थे राज्यसभा में. और अटल जी और अडवाणी जी ने यदि उसके खिलाफ वोट किया होगा, यदि वो कर देंगे तो मैं ही इस्तीफा दे दूंगा सर. उन्होंने बीजेपी के बारे में गलत बात कहा है. लोकसभा में केवल दो एमपी थे और राज्यसभा में केवल तीन एमपी थे. ऑनरेबल संध्या रॉय, ऑनरेबल मिनिस्टर संध्या रॉय, प्लीज. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. यह महिलाओं का बिल, यह बिल नारी के वंदन का बिल है. रिजेक्टेड. यह बिल नारी के अभिनंदन का बिल है. यह बिल नारी के सम्मान का बिल है. यह बिल नारी के गौरव का बिल है. यह बिल नारी के विकास का बिल है. यह बिल नारी के भागीदारी का बिल है. और यह बिल नारी के सशक्तिकरण का बिल है. मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक पिता बनकर, एक बड़े भाई बनकर देश की आधी आबादी हमारी बहनों का सम्मान कैसे बढ़े और हमारी नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर कैसे चले और समाज में अपनी भूमिका को पूरी ताकत के साथ निभा सके. महिला बिल का मैं समर्थन करते हुए मैं देश की बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे गृह मंत्री जी को. मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे कानून मंत्री जी को. मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पूरे नेतृत्व को, जिन्होंने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर पहले ही दे दिया है, जिससे संगठन में भी हमारी बहनें अपनी भूमिका को निभा रही हैं. संगठन में काम करते करते आज हमारी बहनें राजनीति में सशक्त बनी हैं. मैं भी उन्हीं में से एक हूं. ऐसा चंबल का क्षेत्र है जहां से आज तक कोई भी अनुसूचित वर्ग की महिला सांसद नहीं बनी. बिना आरक्षण के बाद भी आज मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया मेरी पार्टी ने. और ऐसी कई मेरी जैसी बहनें हैं जो विधायक भी बन रही हैं, सांसद भी बन रही हैं. मैं पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक अनुसूचित जाति वर्ग की बहन को नेतृत्व करने का मौका दिया. 2014 में भारत में मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाई, जिसमें हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महत्वपूर्ण है. इस योजना को लाकर सामाजिक अधिकार दिया बेटियों को. सुकन्या समृद्धि योजना देकर बेटी को गौरव दिया. बेटी को लखपति बनाने का काम किया, जिससे हमारी बेटियों का रेशो बढ़ा. पहले स्थिति ये थी कि 1000 बेटों पर 850 बेटियां पैदा होती थी, उन्हें भूख में ही मार दिया जाता था. वन स्टॉप सेंटर चलाकर उन महिलाओं को जीने का अवसर प्रदान किया जो किसी हिंसा से पीड़ित होती थी, और उनका जीवन संवारने का काम हमारी सरकार करती है. प्रशिक्षण और रोजगार चलाकर इस योजना से महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और कौशल को बढ़ाकर रोजगार उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है. स्वाधार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में और उनके जीवन में उजाला लाने का काम हमारी सरकार ने किया है. महिला ई हाट के द्वारा महिलाएं अपने हुनर को पहचान देते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती है. उज्ज्वला योजना के तहत भारत की 9 करोड़ से ऊपर हमारी महिलाओं को उज्ज्वला देकर, गैस देकर उनके जीवन को सुधारने का काम किया है. दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हमारी बहनों को 81 लाख स्वसहायता समूहों के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा मिला है और वो आत्मनिर्भर बनी हुई है. शौचालय 11 करोड़. सर थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. शौचालय जो कि 11 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों को शौचालय देकर महिलाओं का सम्मान देने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है. मुद्रा लोन के तहत हमारी बहनों को उद्यमी बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है. विज्ञान में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है. एयरफोर्स में हमारी बेटियां जा रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था में हमारी महिलाओं की भागीदारी है. वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी. नौसेना में हमारी बहनों की भागीदारी बढ़ी. CRPF में भी हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ी है. इसरो में हमारी बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, 27% है सर. महिला पायलटों में भारत सबसे आगे है, ये बहुत बड़े गौरव का विषय है सर. 1996 में पहली बार सरकार
देवगौड़ा जी की बनी, उसमें महिला बिल पहली बार पास किया, तब विधेयक पारित नहीं हो पाया। फिर 1998 में संध्या रवि जी, प्लीज कंट्रोल, सर मुझे 2-3 मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। बड़ी सुबह से मैंने तैयारी की है, अपने शब्दों में लिख कर लाई हूँ, प्लीज कंट्रोल। 1998 में और 1999 हमारे माननीय अटल जी की सरकार बनी, उस सरकार में हमारे इस बिल को, महिला बिल को लाया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। 2008 में मनमोहन सरकार चाहती तो महिला बिल लोकसभा में 2008 में पारित हो जाता, लेकिन सरकार न गिर जाए इस डर से लोकसभा में पारित नहीं कर पाए। और 2010 में राज्यसभा में 108वें संशोधन के तौर पर इसे पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में आप इस बिल को पारित नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी सरकार के कुछ सांसदों ने इस महिला बिल का विरोध किया था। 15वीं लोकसभा में हमारी नेत्री श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने इस बिल पर अपनी चर्चा रखी, बात रखी, लेकिन हमारी आपकी सरकार को सत्ता प्यारी थी, महिलाओं का सशक्त करना नहीं था, इस तरह अपने महिला बिल का षड्यंत्र के साथ लोकसभा में महिला इस बिल की हत्या कर। और 18 मई 2014 को 15वीं लोकसभा भंग हो गई और महिला बिल की भी हत्या हुई। यह सब आपकी सोची समझी साजिश थी। देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश का चलाने का अवसर आपको मिला, लेकिन आपने देश को सशक्त बनाने का और एक कदम भी नहीं बढ़ाया, बल्कि देश को एक कमजोर देश बनाकर, देश को डरा कर रखा, देश को मांगने वाला देश बनाया। मोदी जी की सरकार में आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है, सरकार भी चला रही हैं, और देश का युवा भी मजबूत हुआ है, देश का युवा भी सशक्त हुआ है। देश की 11 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से निकालकर ऊपर उठाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। देश के हर वर्ग का विकास मोदी जी सरकार कर रही है। देश आज देने वाला देश है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आज हमारी सरकार अरविंद सावंत।